गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सट्रीम ट्रैवल एडवेंचर। तो दोस्तों आज दूसरा दिन है, डे टू है मेरा, और मैं सवेरे रेडी होके जो है अपनी नेक्स्ट लोकेशन के पास जा रहा हूँ, जिसका नाम है डोडा पेटा, जिसका मीनिंग होता है डोडा मीन्स बड़ा और पेटा मीन्स हिल, तो बड़ा हिल बोल सकते हैं आप। और नीलगिरीज में जो है ये सब में बड़ा माउंटेन है, यहाँ मतलब हिल है, और ये अप्रॉक्सीमेट 9000 फीट की ऊंचाई पे है। और इसकी एंट्री फी है 10 रुपये, और टाइमिंग है सवेरे 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। आप आराम आराम से 1 से 2 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अच्छे से फ़ोटोज़ और वीडियोस निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अभी पीक सीज़न चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, और इसी वजह से जो है मैं जल्दी जल्दी से जो है वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लेके यहाँ से अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट लोकेशन है बोटानिकल गार्डन, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन के पास। तो बेसिकली बहुत खूबसूरत जगह है ये देखने के लिए, आप भी ज़रूर आइएगा, ठीक है, आके देख के एंजॉय कीजिएगा इस ब्यूटी और इस नेचर के खूबसूरती को, ठीक है। चलो मैं आपको मिलता हूँ अगले लोकेशन में, टिल देन स्टे ट्यून एंड डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, ओके। वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं डोडा पेटा पीक से जो है बोटानिकल गार्डन आ चुका हूँ। तो इसकी एंट्री फ़ी है 50 रुपये, और टाइमिंग है सवेरे 7 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक इसकी एंट्री फ़ी है, और ये विद इन ऊटी टाउन के विद इन ही है, और बस स्टॉप से अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन जो है ये अंग्रेज़ों ने सेटअप किया था तकरीबन 50 पर 5 एकड़ की ज़मीन में, और इसकी खूबसूरती ये है कि मतलब यहाँ पे एक्जॉटिक मतलब पेड़ पौधे वगैरह है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे इंडिया में। ऐसे बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, इसकी खूबसूरती वो है। और आप बेसिकली ये इतना फेमस है, मतलब बॉलीवुड में आप बहुत सारे पिक्चर्स में भी मतलब मूवीज़ में भी आप जो है इसको देखे होंगे। और दोस्तों ये वही मैं बताना चाह रहा था कि जो भी बंदा ऊटी आता है फिरने के लिए एज ए टूरिस्ट, वो हो ही नहीं सकता कि वो बोटानिकल गार्डन ना आए। ये मस्ट एंड शुड विज़िट प्लेस है, मतलब इतना खूबसूरत इन्होंने यहाँ पे बनाया है। अलग अलग गार्डन्स हैं, मतलब कोई फ्रेंच गार्डन है, कोई इंग्लिश गार्डन है, कोई इटालियन गार्डन, अलग अलग नाम से जो है इन्होंने ये किया है। फिर ग्लास हाउस भी है, तो इसके अंदर जो है फ्लावर शोज भी रखा जाता है, कंपटीशन रखा जाता है। तो ये मस्ट एंड विज़िट प्लेस है बोटानिकल गार्डन। तो आप जब भी आ रहे हैं ऊटी, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई हम बोटानिकल गार्डन जाएंगे और आराम से 2 या 3 घंटे जो आराम से यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे और एंजॉय खूब एंजॉय करेंगे। यहाँ का इतना अच्छा लैंडस्केपिंग इन्होंने किया है ना, हर कोई इस जगह पे आके मतलब लाइक करता है, मतलब हर किसी को मतलब पसंद आने वाली चीज़ है ये, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आपको वीडियोज़ दिखा रहा हूँ, फोटोज दिखा रहा हूँ, देख के एंजॉय कीजिए, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आगे आपको।